देखो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स, ये निकालना है हमें। तो ये क्या होता है, मान लो कोई हमारा पी एक्स है 5x, ये भी एक पॉलिनोमियल है ना, मोनोमियल है, मतलब एक टर्म वाला है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि x की क्या वैल्यू होगी कि इसको सॉल्व करके आंसर जीरो आएगा, देखो अगर x की एक वैल्यू है तो 5 * 5 आ जाएगा, अगर x की जगह 2 है तो 5 * 2 = 10 हो जाएगा, x की जगह 3 है तो 5 * 3 = 15 हो जाएगा। मतलब कोई नंबर होगा तो मल्टीप्लाई करके आता रहेगा, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि x की क्या वैल्यू रखेंगे तो आंसर जीरो आएगा, जीरो। तो x बराबर जीरो जिस पर हमारा आंसर जीरो आए, हम बोलेंगे x इज इक्वल टू जीरो इज अ जीरो ऑफ दी पी एक्स, जिस पे आंसर जीरो आएगा उसके लिए हम ये बात बोलेंगे कि x बराबर जीरो जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल, मान लो हमारा पी एक्स है 2x - 4। अब मैं तुमसे पूछूं कि x की क्या वैल्यू होगी जिसको सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे यहाँ और सॉल्व करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, बताओ x की क्या वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, जीरो। देखो चलो रख के देखते हैं, मान लेते हैं कि x की जगह में तुमने बोला जीरो रखते हैं, तो चलो जीरो रख के देखते हैं। तो अगर मैं x की जगह जीरो रखूंगा तो इस x की जगह भी मैं जीरो रख देता हूँ दिखाने के लिए कि भाई x की जगह क्या वैल्यू लिया गया है। इक्वल 2 की जगह 2 लिखो, मल्टीप्लाई लगाओ और x की जगह क्या लिखना है, जीरो माइनस 4। फिर 2 को आप जीरो से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा जीरो माइनस 4, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस 4। आंसर जीरो तो नहीं आया, अच्छा चलो एक और ट्राई करते हैं, एक्स की जगह क्या लिखूं। देखो कह रहा है कि एक्स की जगह 2 रख दो, रख दूं, तुम्हें क्या लगता है 2 रखेंगे तो आ जाएगा जीरो। हाँ ओके लेट मी सी, देखो अगर मैं x की जगह 2 रखता हूँ तो p जो हमने वैल्यू लिया 2, दिखा देते हैं यहाँ पर कि हम क्या वैल्यू ले रहे हैं, और 2 इस x की जगह हम 2 लिख देते हैं, माइनस 4 कर देते हैं, फिर इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 4 कर दिया तो ये आ गया 0। ढूंढ लिया तुमने, ऐसे तो x की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है ना जिस पे अलग अलग सॉल्व करने पर अलग अलग आंसर आ सकता है, लेकिन जिस पे जीरो आ जाए वही आपका टारगेट है। क्या बोलेंगे हम इस 2 को, 2 स्पेशल है, 2 को बोलेंगे हम कि x इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ दी पी एक्स, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसे फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज लिखा होगा या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे सॉल्व करने पर आंसर जीरो आएगा, ठीक है। लेकिन ये तो छोटा सा इक्वेशन था इसलिए तुमने सोच लिया। देखो एक और देता हूँ, मान लो मैंने बोला पी एक्स इज इक्वल टू 5/4x प्लस में 23। अब इसमें बताना है कि x की क्या वैल्यू रखें कि सॉल्व करके जीरो आएगा, तो मुश्किल सा लग रहा है ना, तो मुश्किल है नहीं, हमें सोचना वही है, लेकिन वो जो तुमने सोच लिया उसके लिए एक तरीका है निकालने का, वो मैं बता देता हूँ, करना तुम्हें ऐसे है जैसे अब मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करना है। सॉल्यूशन लिखोगे,
पहले आप क्वेश्चन वाला पी एक्स उतारोगे, जो सबसे आसान स्टेप होता है सबसे पहले हम वो करते हैं, ठीक है। फिर एक लाइन लिखोगे, फोर जीरो ऑफ द पी एक्स, ये लाइन लिखोगे, और जो ये लिखा हुआ है ना, जो भी लिखा हुआ होगा, जो भी क्वेश्चन में होगा, उसके इक्वल टू में आप जीरो लिख दोगे, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता है, आपने एट्थ में सीखा हुआ है, 23 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 5 अपॉन में 4 एक्स इक्वल टू में 0 माइनस 23, 0 को हम हटा सकते हैं, 5 अपॉन में 4 एक्स इज इक्वल टू में माइनस 23, ठीक है। अब आपको पता है ना क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इधर जाएगा तो 5x ऊपर रह जाएगा, और ये माइनस 23 इंटू में 4, समझ रहा है मन खुश। अब हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो x को यहीं छोड़ दो, माइनस 23 इंटू में 4 अपॉन में ये 5 नीचे आ गया। अब ये जो अब कट नहीं रहा ऊपर नीचे कोई सा भी, अगर कटेगा तो तुम्हें काट देना है। अब बस क्या हो सकता है, ये ऊपर जो 23 है और 4 वो मल्टीप्लाई में नजर आ रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 12 का 2 कैरी 1 और 92, शाबाश, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 92 अपॉन में, ये है जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। यानी कि यहाँ पर जब हम ये रखेंगे ना, x की जगह जब ये रखा जाएगा तो आंसर जीरो आ जाएगा, देखना चेक करके आता है कि नहीं, शाबाश, करके दिखाता हूँ, इसने बोला, ये नहीं करना, ये जो कर रहा हूँ ये चेक करके दिखाता हूँ तुम्हें कि आंसर जीरो आता है कि नहीं आता। देखो हमारा 5/4 एक्स प्लस में 23 है, अब मैं देखो x की जगह हमारा क्या निकला है, ये निकला है ना, इसकी वैल्यू मैं रखता हूँ माइनस 92 अपॉन में 5 प्लस में 23, क्या हो सकता है, 5 से 5 कट गया, बचा क्या, माइनस 92 अपॉन में 4 प्लस में 23, देखो ये कट जाएगा 4 से, 4 1 4 और 2 8, एक इधर गया 12 हो गया, और 3 बार में 12 आ गया, तो माइनस 23 प्लस 23 आंसर जीरो आ गया ना। तो ऐसे इस मेथड से जो अभी मैंने बताया यहाँ पर, इसमें जो हमारा डिस्कशन है, इससे कैसा भी इक्वेशन लिखा हुआ हो आप उसका जीरोस निकाल लोगे बिना सोचे। तो अगर क्वेश्चन आसान भी है तो भी आपको इसी मेथड से ही करना है, सारे स्टेप्स लिखने हैं, पहले क्वेश्चन उतारना है, ये वाली बात लिखनी है, इक्वल टू जीरो में जीरो लगाना है, फिर सॉल्व करने का तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन है। आगे बात समझ में चलो।